गाजियाबाद में अपराध चरम पर है। आप लोगों की सुरक्षा की बात तो दूर, आईएएस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। जिले में चर्चित आईएएस अधिकारी रानी नागर और उनकी बहन पर बीती रात अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में रानी नागर तो बच गईं, लेकिन उनकी बहन रीमा नागर गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस संबंध में रानी नागर ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को जानकारी दी। वहीं इस जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके भाई सचिन नागर की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रानी नागर बहन रीमा के साथ रात लगभग 9 बजे अपने घर के बाहर टहल रही थी। उसी समय एक व्यक्ति न्यू पंचवटी कॉलोनी से निकलकर उनके सामने आ गया और जब तक वो कुछ समझ पाती आरोपी ने लोहे की रॉड से उनके ऊपर हमला कर दिया। रानी ने बताया कि वो तो भागकर आरोपी के वार से बच गईं, लेकिन उनकी बहन नहीं बच पाई और रॉड पैर में लगने से वो घायल हो गईं। इससे वो गंभीर रूप से घायल हुई। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। कुछ नहीं, कुत्ते को ऊपर कहने में बात हुई थी, काम कर कर मैं कुत्तों को मार रहा था, तब कहने में बस नहीं तो कुत्तों को मार रहे थे। कैसे मार रहे थे? डंडे से। अच्छा, किसी कुत्ते, क्योंकि कुत्ते मेरे ऊपर भौंक रहे थे और कहने में मेरे बच्चों के ऊपर भौंकते हैं, तो जब भी कोई निकलता जब भी भौंकते हैं। और कितनी बार मैंने गली में भी बोला था, कहने में इन कुत्तों को इंतजाम कर दो यहाँ से, कि कभी किसी को बच्चे को काटने या फिर किसी आदमी को काटने तो कोई दिक्कत ना हो। कुत्ते किसी के पर्सनल हैं? हैं? कुत्ते किसी के पर्सनल हैं? पर्सनल नहीं, कहना वहाँ बड़े कुत्ते पाल रखे हैं यहाँ पर। वहीं सीईओ राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस मामले की जांच करने उनके घर पहुंची थी। तथ्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि 30 मई की रात में स्थानीय पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली रानी नागर और उनकी बहन वहाँ पे घूम रहे थे, तो उनकी बहन के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट किया था, हमलावर हो गया था। इस सूचना की जांच की गई तो मौके पे उनके भाई सचिन नागर से मुलाकात हुई, जिन्होंने इस संदर्भ में बातें बताई कि एक व्यक्ति जो वहाँ पे स्थानीय आसपास रहता है, उसने इनकी बहन पे हमलावर हो गया था किसी बात को लेकर, और जो फुटेज दिखाई पड़ रही है उसमें वो कुत्ते आदि भगा रहा था, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इस सूचना पे मुकदमा दर्ज करके थाना कोतवाली में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि 2014 बैच की हरियाणा कैडर की आईएएस रानी नागर इस महीने की शुरुआत में ही अपनी जान को खतरा बताते हुए पद से इस्तीफा देकर गाजियाबाद स्थित अपने घर लौट आई थी। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद हरियाणा सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रानी नागर का आईएएस कैडर हरियाणा से उनके गृह राज्य में बदलने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। रानी सामाजिक सुरक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।